सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों द्वारा अपनी मनमानी कर इनमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामला सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत आर्या का है, जहां गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए सुलभ शौचालय आधा अधूरा निर्माण कराकर छोड़ दिए गए हैं। सुलभ शौचालय के अंदर का पूरा काम अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। शासन द्वारा बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स में लोग शराब पीते हैं और बोतल यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब ईएमएस टीवी संवाददाता द्वारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देखा गया तो शराब की खाली बोतल और खाली पानी के पाउच पड़े हुए मिले। यहां ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में भेदभाव करने के आरोप भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? हमें तो आज तक नहीं मिला साहब, गाँव में सब लोग को मिल गया। गाँव में जो बड़े बड़े सब है ना, सभी को दिए कुटी, लेकिन गरीब लोगों को बहुत कम दिए कुटी। भाव किया जाता है, बड़े बड़े लोग को देते हैं, बाकी गरीब लोग बहुत सारे छूट गए उसमें। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आर्या में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुलभ शौचालय ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है। आप लेकिन यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से 3,44,000 रुपये की लागत से ये बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं आप किस तरह गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर और किस तरह से ताले लगे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति, सीधी सीधी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये एक और यहाँ पर बनाया गया है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से ये स्थिति है और किस तरह से ये यहाँ पर ये आपत्तिजनक चीज़ें पड़ी हुई है यहाँ पर। मतलब शासन द्वारा शौचालय बनाई गई है लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है ग्राम पंचायत में। आप देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत आर्या है इछावर ब्लॉक के अंतर्गत। इछावर से ईएमएस टीवी के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।